भारतीय न्यास अधिनियम यानी भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के बारे में आपको बताना है कि इस भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत न्यासधारियों के क्या कर्तव्य एवं दायित्व होंगे। न्यासधारियों के क्या बताया गया है कर्तव्य एवं दायित्व के संबंध में प्रावधान है, ठीक है ना। तो न्यासधारियों के यानी भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 11 से लेकर 10 तक के 30 तक के उपबंध जो है न्यासधारियों के किससे संबंधित है, न्यासधारियों के कर्तव्य एवं दायित्व से संबंधित है। फिर भी हमें ये क्या करना चाहिए, यानी 1 से 11 से लेकर जो 30 तक के उपबंध दिए गए हैं न्यासधारियों के अधिकार और कर्तव्य से संबंधित, इसको भी हम दो सेक्शन में हम इसको बांट सकते हैं। पहला यह पढ़ेंगे धारा 11 से लेकर धारा 22 तक का जो उपबंध होगा वो किस सेक्शन से होगा, न्यासधारियों के कर्तव्य से संबंधित होगा, किससे संबंधित होगा, कर्तव्य से, न्यासधारियों के कर्तव्य से संबंधित होगा। दूसरा सेक्शन को किसमें डिवाइड करेंगे, तो धारा 23 से लेकर 30 तक के उपबंध जो है तक का जो उपबंध है उपबंध है किससे संबंधित है, न्यासधारियों के किससे संबंधित है, दायित्व से संबंधित दिया गया। क्लियर हुआ भाई, यानी न्यास का क्या मतलब होता है। अगर फाइनली अगर देखा जाए तो न्यास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, न्यास का शाब्दिक अर्थ होता है विश्वास करना किसी पे। जब कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा यानी विश्वास करके अपनी प्रॉपर्टी जो है अंतरित करता है कि उस प्रॉपर्टी को जो अंतरित कर रहा है वो किसके फायदे के लिए उसको होल्ड करेगा, धारण करेगा, तो हितग्राही के फायदे के लिए प्रॉपर्टी को वो धारण करेगा और उस प्रॉपर्टी से जो भी लाभ उसे मिलेंगे तो वो किसको देगा, किसपे खर्च करेगा, किसके उत्थान के लिए करेगा, हितग्राहियों के फायदों के लिए उसका वो खर्च करेगा या यूज करेगा। ऐसी स्थिति में ये बताया जाता है कि यह सामान्य नियम है कि जब एक बार कोई न्यासधारी अपने पद को ग्रहण कर लेता है तो जो न्यास लेख यानी जो डीड दिया गया है उसी के शर्तों के अनुसार उसे कार्य करने होते हैं और न्यास लेख में ही न्यासकर्ता जो है न्यासधारी के अधिकार क्या होंगे और दायित्व क्या होंगे या कर्तव्य क्या होंगे या दायित्व क्या होंगे उसका सृजन वो करता है और उसी के अनुसार उसको पद से भी हटाया जा सकता है। लेकिन हम पहले सेक्शन में ये पढ़े हैं न्यासधारियों के कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। तो ये कर्तव्य और दायित्व के संबंध में कहां से कहां तक प्रावधान किया गया है, 11 से लेकर 30 तक में बता दिया गया है। क्लियर हुआ। अब इस सेक्शन को क्या करते हैं, 11 से लेकर 30 तक के जो सेक्शन को इसको भी दो पार्टों में हम लोग अनुभाग में इसे अगर कहा जाए तो बांट देते हैं ताकि और आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। उस तरीके से पढ़ने में ज्यादा हेडिंग हो जाएगा और वो काफी आपके लिए क्या हो जाएगा, असुविधाजनक हो जाएगी, आप उसकी अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में इसको भी दो पार्ट में बांट दीजिए कि धारा 11 से 22 तक का जो उपबंध होगा वो न्यासधारियों के कर्तव्य से संबंधित होगा और धारा 23 से लेकर 30 तक का उपबंध जो होगा वो न्यासधारियों के दायित्व से संबंधित होंगे। यानी नेक्स्ट जो चैप्टर बनेगा आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक लिखवाएंगे वो न्यासधारियों के अधिकार और शक्तियों के बारे में बताएंगे, ये अलग है और वो जो कल बताएंगे वो अलग है। बस इसी के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। अजय स्टार एलर्जी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट है, विधि का विद्यार्थी है, जो भी किसी से की तैयारी कर रहा है और चाहता है कि उसको अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले तो अजय स्टार एलर्जी को लाइक करें और इसका आम जनता तक इसका सूचना मिल जाए। और यह जो मेरा वीडियो है ये सभी लोगों को बहुत ही आसानी से समझाया जा सकता है और सरलता से हम इस वीडियो के माध्यम से हम ट्रस्ट के बारे में आप लोगों को बताए हैं और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।